व्हाट इफ नारुतो हैव अ डुओ ब्लडलाइन, ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो 2 साल के बाद हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो एक हैंड साइन करता है, टोटल 20 हैंड साइन करता है, कहता है स्ट्रॉन्ग रिलीज, स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग ब्लेड टॉर्बीडो। फिर वो ऐसे अपनी आंखों को ऐसे शूट करता है और फिर उसके आँखें से रेड रेड लाइटनिंग निकल रही होती है, उसके हाथों से फिर एक रेड कलर लाइटनिंग का एक टॉर्बीडो बनता है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लेज होती है। वो ट्रीज के जहाँ टकरा तो और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज करते हैं। सारी ट्रीज जब उसके साथ 1 फुट के एरिया में आते हैं तब वो सीधा कट जाते हैं और फिर वो फट जाता है। 17-18 ट्रीज को काटने के बाद वो फट जाता है और सारे पूरे 50 एरियाज को सबको तबाह कर देता है। नारुतो को कुरामा कहते हैं, वाह तुम अपने स्ट्रॉन्ग रेज के साथ अब ज़बरदस्त हो रहे हो, ये तुम्हारी 10th स्ट्रॉन्ग रिलीज टेक्निक है जो कि तुमने मास्टर की है। अपने 5 एलिमेंट्स को अब मास्टर कर लिया है, पर तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप और टाइजुत्सु में तुम्हारी और हेल्प मैं नहीं कर सकता। मुझे जितना भी मुझे पता था वो मैंने तुम्हें मेमोरीज में डाल दिया है। तुमने टाइजुत्सु को तो लर्न कर लिया है पर बैटल एक्सपीरियंस मैं तुम्हें नहीं दे सकता, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर सेंस चाहिए। अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तो तुम मिस्ट विलेज में जाओ क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप की जाती है और कुमा विलेज के साथ तुम्हारे फादर के अभी बहुत लफड़े हैं तो वहाँ पर तुम नहीं जा सकते, तो मिस्ट विलेज ही ठीक रहेगा। ओके कुरामा, ठीक है, मुझे मिस्ट विलेज कहाँ पे? वैसे तुम्हारी मदर एक बार मिस्ट विलेज को मिशन करने गई थी, मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुम्हारे मेमोरीज में। फिर नारुतो 2 दिन के बाद हमें दिखा जाता है। नारुतो कहते हैं, ये मैं किस जगह पे भूल भुलैया में आ चुका हूँ। नारुतो चारों तरफ से मिस्ट में घिरा होता है, अरे यार यहाँ पर कितनी सारी मिस्ट है मैं तो पता भी नहीं लगा पर कि कहाँ पर जाना और कहाँ पर नहीं। ए फॉक्स तुम मेरी हेल्प करो, मैं जितना भी हेल्प कर सकता था मैंने किया। इस मिस्ट विलेज को मुझे भी अच्छे से सेंस नहीं हो रहा, ये मिस्ट पूरी तरीके से चक्रा से भरी हुई है, मैं भी कुछ ज़्यादा हेल्प मानी नहीं कर सकता। अरे यार अब क्या पर जाऊँ, नारुतो से रेंटिंग कर रहा होते पर नारुतो को कुछ कुनाइस की आवाज़ आती है। नारुतो आवाज़ों के पीछे जाता है तो वो देखता है वहाँ पर बैटल को, वहाँ पर एक रेड हेयर की लड़की बैटल कर रही होती है, वो बहुत वुंडेड होती है, वो 2 एम्बू के साथ लड़ाई कर रही होती है, उनके मास्क से तो यही लग रहा है। नारुतो फिर के कुरामा से कहते हैं, हे कुरामा मैं अब क्या करूं, हे बच्चे वो लड़की बहुत पावरफुल मुझे सेंस हो रही है, जो उनसे कोई भी बुरी और क्रूअल इमोशंस भी सेंस नहीं हो रहे हैं, पर उन 2 एम्बू से मुझे बहुत गंदी इमोशन सेंस हो रहे हैं, तुम उस लड़की की मदद करो और उन 2 को मार डालो। अपना लाइटनिंग रिलीज, लाइटनिंग ट्विन ब्लेड्स को एक्टिवेट करो। नारुतो जैसा कुरामा कहता है वैसे करता है। नारुतो अपने आंखों को बंद करता है और अपने हाथों पे लाइटनिंग चक्रास को फोकस करता है और फिर बूश लाइटनिंग चक्रास नारुतो के हाथ से खतरनाक तरीके से निकलते हैं। रेकिरी को सोचो पर रेड कलर में, नारुतो के हाथ से 2 रेड कलर के ब्लेड्स जैसे उसके हाथ बन जाते। नारुतो की लाइटनिंग चक्र इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो 2 एम्बूज भी सेंस कर लेते हैं नारुतो की लाइटनिंग चक्र को और वो लड़की रेड हेयर वाली भी उसे सेंस कर लेती है। नारुतो जल्दी से अपने स्पीड के साथ जाता है और एक बहुत ख़तरनाक सा किक उसके बंदे पे मारता है और दूसरे बंदे पे अपना लाइटनिंग ब्लेड आगे करता है, पर वो भी अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है पर उसकी स्वॉर्ड जैसे ही उससे टकराती है उस पर क्रैक आने लगता है और वो टूट जाता है और उसका हाथ धड़ से अलग हो जाता है। नारुतो से काट देता है, वो पीछे जंप करता है, दूसरा अंबू भी उसे बीच हवा में ही कुनाई फेंकता है उसके ऊपर।
नारुतो जब ध्यान से देखता है तो वो कुनाइस पे एक ब्लू कलर की आउटलाइन होती है, वो चक्र इनहेंस होती है। नारुतो अपनी पूरी ताकत के साथ एक लाइटनिंग स्लैश करता है अपने एक हाथ से और वो सीधा जाके टकराती है उसकी कुनाई के साथ। पहले तो लगता है कि उसकी कुनाई उसके साथ सही की टक्कर कर रही है, पर उसकी कुनाई धीरे धीरे भी उसके ऊपर स्क्रैचेस आने लगते हैं, वो भी टूट जाती है और वो स्लैश सीधा जाता है उसके ऊपर, पर वो सीधा हवा में जंप करता है। पर नारुतो अपने दूसरे हैंड पे चक्रा को फोकस करता है और उसके ऊपर एक चक्र रेड लाइटिंग बीम मारता है और वो सीधा उसके सर को चीरते हुए जाती है। फिर वो पीछे वाला एम्बो भी एक जुत्सु करता है, वन हैंडेड सील्स वाटर स्टेप वाटर वेव जुत्सु। लेक से एक बहुत बड़ा वाटर वेव निकलता है, वो सीधा नारुतो की तरफ जाता है, पर नारुतो भी हैंड साइन अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड्स को बंद करता है और एक हैंड साइंस करता है और वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है विंड स्टाइल विंड अनॉर्मस पुश जुत्सु। वो एक बहुत खतरनाक सा विंड पुश जिसके अंदर बहुत सारे ब्लेड होते हैं सीधा जाके टकराता है उसके वाटर स्टाइल के साथ और वो सीधा उसको वाटर स्टाइल को चीरते हुए उसकी तरफ जाता है। दो ब्लेड्स उसके छाती से जाके टकराते हैं और वो वहीं पर ही कट जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।